हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ HAL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। तो HAL की तरफ से अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसमें कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रखा गया है, स्टाइपेंड आपको कितनी दी जाएगी, एज लिमिट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया है ये वैकेंसी जो है वो ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 और 22 के लिए निकाली गई है, जिसमें आपको सबसे पहले ट्रेड मेंशन किया गया है, कौन कौन से ट्रेड वाले, कौन कौन से ब्रांच वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी है, फिटर के लिए है, टर्नर के लिए है, मशीनिस्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, ड्राफ्टमैन के लिए वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, मशीनिस्ट के लिए वैकेंसी है जो कि ग्राइंडर में है, उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल में है, उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटर में वैकेंसी है, यहाँ पे वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में वैकेंसी है, पेंटर के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट की भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो ये आपके ट्रेड यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए आपसे क्या क्या योग्यता मांगी गई है। तो यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो 10th है वो साइंस एंड मैथ से होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे होना चाहिए NCVT से। अगर SCVT से है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपकी जो ITI है वो पास आउट ऑफ होने चाहिए 2019, 20 या फिर 21, इन तीनों ईयर में अगर आपने पास किया है इन तीनों में से किसी भी एक साल में ITI, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2019 से पहले वाले, अगर आपने पहले पास किया है 2019 से, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक इलेक्ट्रोप्लेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए और स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए भी आपसे 10th पास मांगा गया है। 10th के साथ साथ यहाँ पे आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि NCVT से होना चाहिए। यहाँ पे भी 2019, 2020 और 2021 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पेंटर, जनरल और वेल्डर की वैकेंसी है, जिसमें आपसे 8वीं पास मांगा गया है। अगर आपने 8वीं किया हुआ है, इसके साथ साथ आपके पास ITI होना कंपलसरी है। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है रिलेवेंट ट्रेड में, जो कि NCVT से होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। अगर यहाँ पे बात कर ले एज लिमिट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए 27 साल एज लिमिट रखी गई है, ये मैक्सिमम एज लिमिट है, और मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 साल आपकी रहने वाली है। और यहाँ पे OBC के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, और SC ST के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 साल रखी गई है। आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 6 दिसंबर 2021 तक की जाएगी। अगर यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आपके मेरिट के आधार पे किया जाएगा। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें 100% आप देख सकते हो मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, इसमें 70% वेटेज जो है वो आपके 10th के मार्क्स पे रहेगा, और 30% वेटेज जो है वो आपके ITI सर्टिफिकेट में जो आपके एग्रीगेट मार्क्स है उसके वेटेज पे किया जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 70% आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे रहेगा, और 30% आपके ITI के मार्क्स के बेसिस पे रहेगा। दोनों को मिला करके एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम लोग बात कर ले, तो इसमें फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 6 दिसंबर 2021 रखा गया है, और जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वो 7 जनवरी 2022 को जारी किया जाएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। जो कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं अप्रेंटिस के लिए, उनको यहाँ पे आप अपना जाके देख सकते हो, आपकी उस लिस्ट में नाम है तो आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है वो आप लोगों को बताया गया है 10 जनवरी 2022 से लेकर के 20 जनवरी 2022 रखा गया है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो इन डेट्स पर जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। अगर बात करें इसके फॉर्म फिलअप की, कैसे आपको इसका फॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है अप्रेंटिसशिप की, ये ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, तो वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको ऑफलाइन फॉर्म में डाल के आपको इनकी ईमेल आईडी पे सेंड करना है। यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मा है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शेयर कर दिए, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे ये इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है और इनके बताए हुए ईमेल आईडी पे आपको भेजना है। यहाँ पोस्ट के द्वारा आपको नहीं भेजना है। अगर आप पोस्ट के द्वारा इस फॉर्म को भेजते हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको ईमेल आईडी पे इसको भेजना है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको टाइप करके ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ले लोगे जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लिंक आप लोगों को इनके ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करोगे इनके ईमेल आईडी पे तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि जो आपका एक्सेल फाइल होगा उस फाइल का जो नेम है वो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर रखनी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको उनकी वेबसाइट से मिलेगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको अपनी एक्सेल फाइल का नाम देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब आप ईमेल सेंड करोगे तो वहाँ पे ईमेल सेंड करते टाइम आपको एक सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है। उस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये ईमेल आईडी आपको सेंड करनी है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी बताई गई है, इस ईमेल आईडी पे आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेज देना है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। आपको फॉर्म जो है वो टाइप करके एक्सेल शीट में आप लोगों को टाइप करके यहाँ पे भेजनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये आपकी रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरीके से आपको फिल करना है। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप कि आप लोगों को ये अपडेट हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।